मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी जो है एटलीस्ट आपको 4 टाइमिंग फूडिंग फ्री प्रोवाइड कर रही है। दैट्स मीन कि रूम फ्री प्रोवाइडेड, फूडिंग फ्री प्रोवाइडेड, एटलीस्ट बेस्ट कंपनी होता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने होते ही नहीं है। कैसे एक्चुअली में मैं बताता हूँ, देखिए एक्चुअली में 4 टाइमिंग फूडिंग फ्री है, रूम फ्री है और बेस्ट जॉब्स है। दैट्स मीन दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड फॉर यू। एंड इवन मैं आपके साथ में जो भी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, वो तो बेस्ट है ही, साथ में जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होता है वो हम शेयर करते हैं, बिकॉज ये कंपनी है, ये कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी, इसमें ज़्यादा हार्डली काम नहीं होते। मैं सिंपली अगर बोलूँ तो इसमें नॉर्मल काम होते हैं। हमें लिख के भेजा गया कि इसमें एज ए वेल 12 आवर्स की ड्यूटी तो लिखी जाती है, बिकॉज काम जो मेनली होते हैं 6 घंटा काम होता है, क्योंकि एक्चुअली में जो प्रोडक्शन होता है उसी हिसाब से होता है। यहाँ पर जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये जो कंपनी है पेपर कंपनी है, और पेपर कंपनी में आपका काम होने वाला है। एटलीस्ट काम क्या होगा, ये काम जो होगा पोस्ट होगा हेल्पर के पोस्ट पर आपको काम करने, बेसिकली हेल्पर के पोस्ट पर काम करने। तो मैं आपको बता दूँ जो हेल्पर एक तरह से मानू तो काम करने वाले होने चाहिए, बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाए वहां पर काम ना करे और बोले कि काम भारी है। एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम तब होता है जब आप वहां पर कैंडिडेट को पहुंचाते हो, आफ्टर देन कहता है कि सर काम नहीं हो पाएगा। तो मैं बता दूं, एक हेल्पर के पोस्ट पे काम करने जा रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करके जाते हो यहां से कि हमें हेल्पर का काम करना है। एक्चुअली में काम भी वही होता है, हेल्पर का ही होता है। तो एक्चुअली में ये बात आपको पहले ही समझना चाहिए। एंड यहाँ पर जो पेपर कंपनी है, पोस्ट हेल्पर का है, ड्यूटी 12 आवर्स की शिफ्टिंग एंड 26 डेज वर्किंग इन अ मंथ है, 12 घंटे का काम है, महीने में आपको 26 दिन काम करने, एंड संडे को आपका ऑफ रहेगा। आपको भी पता है कि जो कंपनी होते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होते हैं, ज़्यादातर जो संडे को ऑफ होता है। एंड यहाँ पर लोकेशन दानकुनी कोलकाता लोकेशंस में ये जॉब्स होने वाले हैं, तो दानकुनी कोलकाता लोकेशंस में ये जॉब्स है। क्वालिफिकेशन में एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लीकेबल, 8 पास, 10 पास, 12 पास, एनी पास, बट कैंडिडेट ओनली लेबोरियस पर्सन नीडेड इन दिस कंपनी। राइट नाउ एज का लिमिटेशन मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 ईयर्स है। एज का क्राइटेरिया जो आपका बेसिकली होता है वो कंप्लीटेड होना चाहिए। सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है, मतलब आप जिस दिन विजिट करोगे उसी दिन आपका ज्वाइनिंग प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाता है। एटलीस्ट आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर पेपर कंपनी है, पोस्ट हेल्पर का है, 4 टाइम खाना भी फ्री है, रूम भी फ्री है। अब मेन मोटिव आता है कि सैलरी कितना मिलेगा आप लोग को, ये जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जाते हो काम करने, एटलीस्ट 4 टाइमिंग फूडिंग है, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, मैंने आपके साथ में शेयर किया, रूम फ्री है, लेकिन सैलरी एग्जैक्ट में कितना मिलेगा ये चीज़ें आपको मेनली जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो सैलरी मिलेंगे 8,300 रुपीज़ मंथली बेसिस है, और थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन हाँ 12 आवर्स के हिसाब से सैलरी कम है, बिकॉज 12 आवर्स ड्यूटी कंटिन्यूसली नहीं होते, और सैलरी ठीक है ऑन एन एवरेज, अगर कहें तो सैलरी ऑन एन एवरेज सही है। एंड यहाँ पर आपका फूड का डिपॉजिट अमाउंट 600 रुपये ले रही है कंपनी, जो कि आफ्टर देन 6 मंथ रिफंडेबल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपको हाइएस्ट सैलरी वाला जॉब्स चाहिए तो आप वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, इवन कि आपको वहाँ पर हाइएस्ट सैलरी जॉब्स मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर वैसा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता, इवन कि सब जॉब में वैसा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता कि अपॉर्चुनिटीज इस पर नहीं मिलता, मिलता है, सब जॉब्स में नहीं मिलता, बिकॉज कोई लोअर सैलरी आते, कोई हाईएस्ट सैलरी आते। तो उस चैनल पे, उस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे सारे का सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे भी मिल जाता है पोस्ट के माध्यम से, हिंदी इंग्लिश सभी में पोस्ट लिखे हुए, आप जाके देख सकते हो। ओके बाय।